ओडिशा में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत खुले जन औषधि केंद्रों का फायदा आम लोगों को मिल रहा है। देवराज साहू फार्मासिस्ट हैं और भुवनेश्वर में एक हॉस्पिटल में इस जन औषधि केंद्र पर काम करते हैं। सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जन औषधि खुल के। प्रोडक्ट 240 से 270 होगा, पहले से ज़्यादा डिमांड भी है और लोगों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है और ये दूसरी कंपनी से भी बहुत थोड़ी कम रेट में भी मिलता है। इन औषधि केंद्रों पर दवाओं की बेहतर रेंज मौजूद है। देवराज के मुताबिक हार्ट, बीपी और डायबिटीज जैसे रोगों की दवाओं के लिए लोग औषधि केंद्र को प्राथमिकता देते हैं। यहाँ पे हार्ट का और ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज का और गैस का, जो एंटी गैस्ट्राइटिस और एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, सब बहुत कुछ आता है। ओडिशा में इन औषधि केंद्रों की शुरुआत बेहतर रही है और लोगों का रिस्पांस भी अच्छा है। ये बहुत अच्छा कदम है सरकार की तरफ से, तो लोगों की तरफ से बहुत डिमांड है, लोग उसको ढूंढ के आते हैं। और उड़ीसा में भी अभी पहले था 10-12 का काउंटर था, लेकिन 65 काउंटर हो गया, वैसे बहुत अच्छा है। केंद्र सरकार की प्राथमिकता गरीबों को सस्ता इलाज मुहैया करवाने की है और इस दिशा में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना कारगर साबित हो रही है।